अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र जी को की हाल है ठीक ठाक हो। आज मैं हरे चने पा के चौथ का के तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, हरिये से हैं। आज मेरी दादा माँ सब्ज़ चने वाला पुलाव बनाएगी, वो आपको बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनाते हैं। ले जी माशाल्लाह जी, दादा माँ ने कढ़ाई ऊपर रख ली है। दादो माँ जी, सबसे पहले क्या डालना है? ठीक है जी, ऑयल डालना है। दादी माँ जी कितना ऑयल है? ठीक है जी, एक कप ऑयल है जी। जी माशाल्लाह जी, दादो माँ ने ऑयल डाल ली है। अभी जब ये ऑयल गर्म होगा तो फिर दादो माँ प्याज डालेंगे। लें जी माशाल्लाह जी, ऑयल गर्म हो गया और अभी दादो माँ प्याज डालने लगे हैं। दादो माँ जी कितने प्याज हैं? ठीक है जी, दो प्याज हैं जी। जी माशाल्लाह जी, अभी दादो माँ जी इनको ब्राउन कर लेना है। ठीक है, ले जी माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो गए हैं और अभी दादो माँ पानी डाल के इनका कलर निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी, दादी माँ जी इसका रंग निकल आया है। ठीक है जी, दादो माँ जी अभी क्या डालना है? ठीक है जी, अदरक कितनी अदरक है? ठीक है जी, एक चम्मच अदरक है जी। माशाल्लाह जी, और साथ में दादी माँ जी ये क्या है? चार मिर्चें, टमाटर। ठीक है, चार सब्ज मिर्चें और एक टमाटर है। दो सब्ज मिर्चें। ठीक है जी, एक चम्मच नमक है, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सुरह दादर मिर्च, आधी चम्मच सूखा धनिया। अभी दादा माँ जी मसाले को भूनना है। ठीक है जी, सही है, सही है। ले जी, अभी दादा माँ मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, फिर चनों का भून लेना। सही है, ले जी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के दादा माँ मसाले को भून रहे हैं। माशाल्लाह जी, जी माशाल्लाह जी, मसाले को दादा माँ ने भून लिया है और अभी दादा माँ चनों को डालने लगे हैं। दादी माँ जी कितने चने हैं? एक पाव चने हैं जी। नहीं जी माशाल्लाह जी, अभी दादा माँ साथ में इनको भी भून लेंगे। ठीक है जी, मसाले के अंदर ही इनको भून लेना है। काबली चने हैं दादो माँ? ठीक है जी, जेड़े दूजे देसी होंगे ने वो होंगे ने बहुत हरे। हाँ जी, ये जेड़े सफेद पकाई देने ना उन्होंने फिर जब हरे भी लेंगे तो बिच चिट्टे ही निकाल देने। सही है जी। ले जी माशाल्लाह जी, चने दादो माँ ने भून लिए अच्छे तरीके से, गाल चुके हैं और अभी दादो माँ जी क्या करना है? ठीक है जी, पानी डालना। कितना पानी डालना है? ठीक है, ठीक है, दो मगे पानी डाल लेना, एक मगा चावलों का। हाँ जी माशाल्लाह जी, नहीं जी माशाल्लाह जी, दो मगे पानी डाल ली हैं दादो माँ ने। अभी दादो माँ जी जब उबाले आएगा फिर चावल डालने हैं। ठीक है जी, अभी इसको ढक के रख देंगे। लें जी माशाल्लाह, दादा माँ ने इसको ढक के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र तेरे की हाल है ठीक ठाक? अल्लाह पाक जन तंदुरुस्तियां दे, अल्लाह जिंदगियां दे, आमीन। तेरे बाल बच्चा मर्शा दे लाए, अल्लाह पाक उन्हें तुम्हारे फरमादार बनाए, आमीन। अल्लाह अपनी मेरिया धियां दिया चोलियां हरियां भरियां करे, सोने महीने की तफैल, आमीन। जिंदगियां दे, तंदुरुस्तियां दे, और सारे कारोबार च बरकत पाए। अल्लाह पाक जेड़े बीमार ने उन्हें शफा दे मौला सोना, आमीन। जिन्हें नहीं औलाद उन्होंने अल्लाह औलाद दे, आमीन। सोना दे
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਦੇਸੀਆਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਖੈਰੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਮੀਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਬਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਚਾਵਲ ਡਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਡਾਲਨੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਜਬ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਭੀ ਜਬ ਇਸਕਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਇਸਕਾ ਦਮ ਲਗਾ ਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਦਾਦੋ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਦਮ ਲਗਾਉਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਹਿਲਾ ਲੇਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਦਮ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦਮ ਲਗਾ ਦਿਆ ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਨੇ। ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਦਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰ ਸੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੇਂ ਦਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਰਾ ਦਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। अच्छा तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।